तो इधर आप लोग थोड़ा सावधानी से आए क्योंकि सबसे खतरा हो सकता है इधर। यह तीन गुंबद वाला मस्जिद देखने के बाद हमको काफ़ी अच्छा लगा। अब फिर यहाँ से चलते हैं आगे, आगे देखते हैं दूसरी तरफ और वहाँ से देखने के बाद फिर से चलेंगे नीचे, जो आप लोगों को सीढ़ियों के द्वारा नीचे जाने के लिए रास्ता दिखलाया हूँ। नीचे जाने के बाद सबसे पहले आप चले यहाँ पर, इसको दिखलाया था, यहाँ पर पांच गुंबद है और यहाँ पर चलने के बाद आप लोग इधर दिखलाते हैं। तो इधर जाने के लिए इधर से रास्ता है, सबसे पहले इधर चलते हैं और इधर दिखलाते हैं ये तीन गुंबद वाला मस्जिद जो आप लोगों ने देख लिया। और अब चलते हैं इसके अंदर और अंदर देखते हैं कि चारों तरफ से गुंबद है और बीच में एक बड़ा गुंबद, जो कि यहाँ पर बैठने के लिए उस समय का सुविधा बनाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, जो यहाँ पर चारों तरफ से ये बनाया गया है, चारों तरफ से आकर और देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा और अंदर अभी आ सकते हैं आप लोग। जो चारों तरफ एक गुंबद यहाँ पर है और एक गुंबद वहाँ पे, और शीत की वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर चलते हैं, ये देखते हैं क्या है। तुगलक कालीन मकबरा है, तुगलक वंश का ये मकबरा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तुगलक के समय का ये है। और मकबरा, पांच मकबरा है इसमें, तो आप लोग सीढ़ियों से आप लोग जाकर इसमें देख सकते हैं। जैसे लग रहा है यहाँ पर समाधि हुआ करता था और हर जगह में, लेकिन इसको निकाल दिया गया है। और यहाँ से देख सकते हैं वहाँ पर और यहाँ पर, कई फिल्मों में मैंने ऐसे देखा है, तो आप लोग भी आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, जो कि ऐसा ही है चारों तरफ से, काफ़ी अच्छा। और अब चलते हैं यहाँ से दूसरी तरफ उसमें, तो हर जगह में ऐसा ही है। और ऐसा देखने के लिए यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा। यहाँ पर पांच गुंबद है और पांचों गुंबदों को देख सकते हैं चारों तरफ से। अब चलेंगे हम इसके अंदर और यहाँ से देखेंगे कि कैसा दिखता है ये चारों तरफ जाने के बाद। तो चारों तरफ पहले घूम लेते हैं और देख लेते हैं इधर। ये देखिए ये कैसा है, घर के जैसा बनाया गया है। और ये गुंबद चारों तरफ आने जाने के लिए बनाया गया है। और ये देखो सबसे बड़ा गुंबद ये है, और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि चारों तरफ से भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत भी है। तो यहाँ से आप लोग कैसा लगा, तो बड़े गुंबद के अंदर चलेंगे फिर आप लोग को दिखलाएंगे। तो इधर से चारों तरफ से बगल में उस साइड पर रोड है, इस दीवार के पास में, ये देखिए सीढ़ी से आप लोग इस में जा सकते हैं। तो वहाँ पर बनाया गया है, दो समाधि है वहाँ पे, देख सकते हैं वहाँ पर दो समाधि। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कैसा दिखता है ये। और चलिए तो हम चलते हैं यहाँ से इसके अंदर और यहाँ से भी देखते हैं। तो इसमें वो बंद है, लेकिन अंदर जाने पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और हर तरह ऐसे दीवारें मिलेंगे इधर देखने के लिए, तो ये ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये जो मकबरा है, ये जो आप लोग सामने देख सकते हैं, यह है फिरोज शाह का मकबरा, जो कि इन सभी गुंबदों के, पांच जो गुंबद मैंने आप लोग को दिखलाया, इस गुंबद के ठीक बगल में है फिरोज शाह का मकबरा, जो कि तुगलक वंश के में का एक है, फिरोज शाह तुगलक, जो कि आप लोगों ने इतिहास किताबों में क्लास 10 में पढ़ा होगा। यहाँ चलते हैं, कई जगह पर यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के अंदर, वहाँ पर दिखलाते हैं कैसी जगह है ये। तो बने रहेंगे हमारे साथ, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यहाँ से चलते हैं आगे, हौज खास दक्षिणी दिल्ली में हौज खास परिसर के एक
पानी की टंकी, एक मदरसा, एक मस्जिद, एक मकबरा और एक शहरीकृत गांव के चारों ओर बने मंडप हैं, जिसका मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत के शासनकाल की 13वीं शताब्दी का है। यह अलाउद्दीन खिलजी राजवंश के दिल्ली सल्तनत के भारत के दूसरे मध्यकालीन शहर सीरी का हिस्सा था। फारसी में हौज खास नाम की उत्पत्ति हौज यानी पानी की टंकी या झील और खास का शाही शब्दों से हुआ है। सीरी के निवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी परिसर का प्रदर्शित पट्टिका इस तथ्य को रिकॉर्ड करती है द्वारा पहली बार बड़ी पानी की टंकी या जलाशय का निर्माण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान टंकी से मिट्टी हटाई गई। कई इमारतों, मस्जिद और मदरसा और कई मकबरों को पानी की टंकी या झील के सामने बनाया गया था। फिरोज शाह का मकबरा एल आकार के भवन परिसर में घूमता है जो टंकी के दिखता है। और यहाँ से आप लोगों को जो सामने देखेगा बगल में, यहाँ से सभी जगह परिसर में, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को झील का नज़ारा दिखेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं बाहर से भी। और यह अंदर का सीन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बाहर का सीन देखने को मिलता है। बाहरी सतह पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ से जो ग्रीन पार्क के बगल में नदी है यानी बहुत बड़ा झील है, यहाँ से दिखेगा जो कि पेड़ से ढका हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने पर। और यह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है जो कि काफ़ी अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के पास में भी है और काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद आगे चलने के बाद आगे की जो लोकेशन है दिखलाते हैं। यह चारों तरफ से खम्भे लगाए गए हैं और यह फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के ठीक सिर बगल में है। और यहाँ से दिखेगा वहाँ पे जो आप लोगों को 5 गुंबद वाला मकबरा दिखलाया है वो भी, उसके बगल में आप लोगों को मस्जिद दिखेगा 3 गुंबद वाला। और यहाँ से चारों तरफ का दृश्य आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जब धूप होता हुआ है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो यहाँ से आप झील देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को पेड़ की वजह से ढका हुआ है, नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ जो कि डियर पार्क है और ग्रीन पार्क के बगल में है जो कि आप लोगों को मैं दिखलाया हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिखेगा ज़रूर, वहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इधर ऐसे मिलेंगे जगह देखने के लिए फिरोज शाह तुगलक का यह मकबरा जो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किताबों में पढ़ा है। चलिए यहाँ चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ से आप लोगों को दिखलाते हैं उधर का सीन कैसा होता है। तो यहाँ से चलिए यहाँ से देखते हैं आगे फिर से, जो कि यहाँ से आप लोगों को दिखेगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं जो कि नीचे आप लोग देख सकते हैं ये झील और आगे भी, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लगेगा देखने पर। तो जो आप लोग देख सकते हैं इधर से चारों तरफ, तो हम चलेंगे अब यहाँ से आगे, आगे देखने के बाद फिर चलेंगे दूसरी तरफ। तो ऐसी जगह देखने के लिए फॉलो ज़रूर करें। और अब चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ से देखते हैं कैसे निकलना है। और चलिए इसी रास्ते से जो कि इधर तो है अंधेरा, अंधेरे में आवाज़, तो इधर से चलते हैं। देख लीजिए यहाँ से हम चलते हैं अंदर। अंदर आप लोग सीढ़ियों के द्वारा नीचे कई फ्लोर डाउन है, नीचे आप लोग जाकर देख सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी है यहाँ से, और भी अच्छा लगेगा चारों तरफ देखने पर भी। तो यहाँ से हम सीढ़ी के रास्ते से नीचे जाएंगे और नीचे से जाते हुए दूसरी तरफ चलेंगे और वहाँ का सीन आप लोग को दिखलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कई तरह के नीचे रूम जैसे बनाया गया है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर, और इसके अंदर जाने के बाद आप लोग को दिखलाएंगे। हर तरफ से दरवाज़ा है, कहीं कहीं पर दरवाज़ा लॉक हुआ है क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा जाने के लिए रास्ता है लेकिन अंदर जा नहीं सकते। तो चलिए आज इस रास्ते से लेकर आप लोगों को चलते हैं, और अंदर काफ़ी अंधेरा होने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से भी कई लोग जा चुके हैं और उस तरफ, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है तो अंधेरे में आप लोग कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मुझे इधर थोड़ा डर लगा, तो इधर जाने के लिए आप लोग जा सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक बालू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है जो कि फिरोज शाह तुगलक के मकबरे के पास में ही है, और पूरा टंकी बालू से भरा है जो कि आप लोग इस अंधेरे गैलरी से निकलकर मेन परिसर में जाएंगे
और जो कि गैलरी की तरह दिखता है, काफ़ी अंधेरा, जो कि आप लोग इधर अकेले आ सकते हैं, देख सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।